दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको एक PID कंट्रोलर के बारे में बताऊंगा। ये हमारा वासी का कंट्रोलर है। इसका जो मॉडल नंबर है 5040, आप देख सकते हैं ये हमारा 5040। दोस्तों इसमें ये डायग्राम है, आप देखिए, इसमें ये आप देख रहे हैं, ये इसका डायग्राम बनाया है। ये 1 और 2 हमारा पावर सप्लाई रहेगा, मतलब AC वोल्ट रहेगा। 3 नंबर हमारा अर्थिंग है। अब देख रहे हैं हमारा ये 7, 8, 9 रिले 1 हो गया, 10, 11, 12 रिले 2, 31, 32, 33 ये हमारा रिले 3 हो गया, और ये 34, 35, 36 ये रिले 4 हो गया। उसके बाद ये हमारा 8 TD कनेक्शन थर्मोकपल है, 21, 22, 23 ये हमारा 8 TD थर्मोकपल के लिए है। ये हमारा 19, 20, 24 वोल्ट के लिए है, और ये हमारा डिजिटली आउटपुट है। आप देख सकते हैं 37, 38, 39, 40, 41 ये हम डिजिटल आउटपुट के लिए यूज कर सकते हैं। और ये हम उसके बाद हमारा ये 15, 16 ये हमको अगर रेजिस्टेंस चाहिए तो रेजिस्टेंस में यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हमने ये इसमें पावर सप्लाई दिया, आप देख सकते हैं हमारा 1, 1, 2, 3 लाइन न्यूट्रल अर्थिंग ये हमने पावर सप्लाई दे दिया। हमने ये RTD हमारे पास 4 वायर का था और हमने इसे कनेक्शन किया है। इसका एक वायर अभी अलग कर दिए हैं। ये हमारा 21, 22, 23 ये हो गया। अभी इसको हम पावर सप्लाई देंगे, ये आप देख सकते हैं, अभी हम इसको ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा है PV मतलब प्रोसेस वैल्यू, SV मतलब सेट वैल्यू। अभी हमारा ये ऑटो और मैनुअल ए अपने के हम ये हमारा बताता है ऑटो एंड मैनुअल मोड। अभी हमारा क्या है, ये मैनुअल मोड में है। ये हमारा इंटर की प्लस मेनू की है, ये स्किप की है, ये शिफ्ट की प्लस डाउन की है, ये अप की है, और ये हमारे रिले 1, रिले 2, रिले 3, रिले 4 जो भी रिले हमारा पिक करेगा ये रेड लाइट जलेगा। मैं आपको दिखा दिया, मैं आप कैसे इसके अंदर पैरामीटर में जाएंगे। अगर आपको सेट पॉइंट देखना है तो सिंगल बार प्रेस करेंगे तो हमारा SP मतलब सेट पॉइंट 1 ये हमारा 20 डिग्री पे है। फिर एक बार प्रेस करेंगे तो हमारा आ गया सेट पॉइंट 2 ये हमारा 25 डिग्री पे है। आपको बाहर जाने के लिए इसको यूज करेंगे, आप ऐसे दबाएंगे बाहर चले जाएंगे। अब इसके पैरामीटर जाने के लिए हमको इसको आपको 3 या 4 सेकंड के लिए होल्ड करना है। अब देखिए मैं होल्ड करूँगा, ये आ गया, ये इसका मतलब है मोड में आ गया ये लेवल 1। इसमें हम पैरामीटर कितना देख लेते हैं, आप इसको प्रेस करेंगे तो पता चलेगा कितना लेवल, मतलब इसमें 5 पैरामीटर होते हैं। देखिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 कैल, और ये रिसेट आ गया। ठीक है, अब हम बैक हो जाते हैं। बैक करने के लिए ये है, अब हम चलेंगे आपको बताएंगे कि लेवल 1 पे क्या क्या पैरामीटर है। हम फिर इसको प्रेस करेंगे 2 सेकंड के लिए, ये आ गया लेवल 1। लेवल 1 में इंटर करने के लिए हमको इसको प्रेस करना पड़ेगा, ये हमने इंटर कर गया। ठीक है, लेवल 1 में हमने इंटर कर गया। आपको उन्हें बता दें ये हमारा ऑटो मैनुअल मोड के लिए है, ये हमारा सेट वैल्यू है, ये हमारा प्रोसेस वैल्यू है, ये T हमारा कम्युनिकेशन के लिए है, ये हमारा मैनुअल मोड पे है ये शो करेगा। उसके बाद जो REM है वो हमारा बताएगा रिमोट सेट पॉइंट स्टेटस लैंप। तो दोस्तों अभी हम आपको दिखाने जा रही है, हम लेवल 1 पे इन किए हैं, हमारा अभी ये आ गया, हाँ स्टार्ट। अभी हम लेवल 1 पे देखिए, मैं आपको एक बार बाहर हो जाता हूँ। ये हम लेवल, ये इसका मतलब होता है मोड, ये हो गया हमारा लेवल 1। लेवल 1 में इंटर करने के लिए हमको इसको प्रेस करना पड़ेगा, ये हमने प्रेस किया। ये ATU का मतलब होता है हमारा ऑटो ट्यूनिंग, अभी हमने नो करके रखा है। हमारा दूसरा पैरामीटर देखना है, बस ऐसे इंटर करते जाएंगे नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे। ये जैसे दूसरा गए हमारा, ये है हमारा PB, इसका मतलब है पोटेंशियल बैंड, ये कितना होना चाहिए। हमने अभी 5 रखा है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको हम 0.1 से लेके नहीं कर सकते। अगर चेंज करना है आपको कैसे करेंगे, यहाँ से आप प्रेस करेंगे, देखिए ये किया गई, आपको जो भी करना है 5, 6, 7 जो भी चेंज करना है आप आराम से देखिए चेंज कर सकते हैं। कम करना है ये, फिर यहाँ से आ जाएंगे, फिर हमें कम करना है तो फिर इसे दबाते जाएंगे। 5 था, हमने 5 रख दिया, ठीक 5 मैंने रख दिया। PB मतलब है प्रोपोर्शनल बैंड, ये आप 0.1 से 1000 के बीच में रख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया, इसको सेव करने के लिए यहाँ इंटर कर देंगे, ये देखिए सेव हो गया, ये हमारा PB सेव हो गया। फिर हम इंटर करेंगे, PB के बाद क्या है हमारा, हमारा PB के बाद है टी के बाद, ये हमारा T1 है। T1 क्या हमारा है, इंटीग्रल टाइम, मतलब इंटीग्रल टाइम क्या है, इसको भी हम 0 से
1000 सेकंड रख सकते हैं, मतलब टोटल 1000 सेकंड रख सकते हैं, 0 to 1000 सेकंड। अभी हमारा 120 सेकंड पड़ रहा है, ये हमारा T1 है, इसका मतलब होता है इंटीग्रल टाइम। अभी हम इन करेंगे दोस्तों। अब हमारा आ गया है TD। TD हमारा है डेरिवेटिव टाइम, हमारा कितने समय में वो डेरिवेटिव करेगा, ये हमारा TD। TD का फुल फॉर्म हो गया डेरिवेटिव टाइम। अभी हमने इसको डाल के रखा है 30 सेकंड, फिर हम इन करेंगे। ये हमारा है CT। CT का मतलब है हमारा डेरिवेटिव फैक्टर, ये हमारा CT है। मैं दोबारा बता देता हूँ, CT हमारा हो गया साइकिलिंग टाइम। आपका साइकिलिंग कितने टाइम का रहेगा, हमने 10 सेकंड डाल के रखा है, आप इसको 250 सेकंड तक रख सकते हैं। सी और ये हमारा क्या है टी, सी से हो गया साइकिलिंग, टी से टाइम हो गया। फिर इन करेंगे तो बराबर आ रहा है ना, तो अच्छा रहा ना। और ये हम फिर इंटर करेंगे। अभी हमारा आ गया TB, ये हमारा D है, ये P है, TB आ गया, जिसका मतलब जिसका फुल फॉर्म होता है पोजीशन प्रोफेशनल, ठीक है। ये हमारा कितना टाइम डालना वो हो गया। उसके बाद हम इंट करेंगे, हमारा आ गया PVSH, PVSH इसका फुल फॉर्म होता है, ये हमारा पोजीशन बैंड शिफ्ट है, या ओवरशूट बोल सकते हैं, ओवरशूट जो भी आपको टाइमिंग रखना ओवरशूट के लिए, हमने 0 0 डाल के रखा है। फिर हमारा आ गया ATL, ATL आ गया, ये है ATL, इसका मतलब है इंटीग्रल टाइम। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हमारा आ गया RAMP, इसका मतलब है रैंप रेट टाइप, हमने इसको रखा है नन, मतलब आप चेंज भी कर सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट जो भी चाहिए। देखिए जैसे मैं को चेंज करना है, ये मैंने इसको किया, ये चेंज वर हो रहा है, ये भी जो भी रखना है, हम जो भी रखे तो पहले रख देंगे, हमने नन रखा तो नन रख देंगे, इंटर कर देंगे। उसके बाद फिर हम इंटर करेंगे, ये हमारा लास्ट पैरामीटर है। अभी हमको बाहर आएंगे तो यहाँ प्रेस करेंगे स्किप पे, देखिए दोस्तों ये बाहर किया, लेवल 1 हो गया। अब लेवल 2 पे जाएंगे, जो लेवल 2 है दोस्तों ये हमारा, इसका लेवल 2 पे हमारा जो पैरामीटर होता है वो अलार्म एंड डिजिटली आउटपुट सेटिंग करते हैं, इसमें हम अलार्म और डिजिटल आउटपुट सेटिंग करते हैं, ठीक है। लेवल 2 आ गया, इसमें अंदर जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इन करेंगे, ये इन किए, हमने अंदर घुस गया, हमारा A2 मतलब आ गया RM2 सेट पॉइंट, हमने क्या रखा है 25 डिग्री, आप देख सकते हैं। अभी क्या करना है, अगर चेंज करना है तो आपको क्या करना है, ऐसे दबाएंगे, जो भी चेंज करनी, मुझे 25 रखा है, 26 कर दी, 27 कर दी, जो भी आपको रखना है चेंज कर सकते हैं। हम 25 रखे हैं तो 25 रखेंगे, देखिए दोस्तों 25। अभी इंटर, अभी ये सेव नहीं हुआ, अब इंटर किए सेव हो गया, ठीक है। A2 अलार्म टू सेट पॉइंट, फिर इसके आगे बढ़ेंगे, फिर हमारा आ गया A2 TP, ये हमारा क्या है कि हमको अलार्म सेट पॉइंट का जो चाहिए, कि क्या चाहिए, मतलब ऑटो में वैल्यू चाहिए, उसके लिए है हमारा ये A2 TP हो गया, ये हो गया मतलब अलार्म टू टाइम, ठीक है। अलार्म 1 अलार्म टू टाइप, आपको चेंज करना है चेंज कर देंगे, अभी इंटर कर देंगे। ऐसे हमारा आ गया ये A2, इसको हम टाइमिंग चेंज करना, जो भी आपको टाइमिंग डालना है, हिस्टोलिसी का टाइम है, चाहे 1 सेकंड चाहे 0 सेकंड, जो भी डालना है वो डाल सकते हैं। अभी हम आ गया A2 LC, और LC मतलब है अलार्म लॉजिक, आपको इसको क्या रखना है, मतलब अलार्म टू लॉजिक कंट्रोल, L मतलब लॉजिक सिमिलर कंट्रोल, मतलब आपको नॉर्मल रखना है या फेल रखना है, फेल सिर्फ रखना है नॉर्मल, देखिए अभी आपको दिखाता हूँ, नन है, अगर आपको चेंज करना है तो आप इसे कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। ये फेल सेफ है, 2 है, नन नन नॉर्मल, ये नॉर्मल है, दूसरा हमारा फेल सेफ है, हम अभी नॉर्मल रखे हैं, अभी इसको हम सेव कर देंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हमारा A2 DY आ गया, और A2 आएगा अलार्म टू डिले टाइमिंग, कितना हम डिले टाइम रखेंगे, तो हमने 1 सेकेंड रखा है, हमारा अलार्म टू डिले जो भी है 1 सेकंड अंदर ये डिस्प्ले करेगा, फिर हम इंटर करेंगे। अभी ऐसे हमारा फिर आ गया, हमारा टोटल 4 रिले हैं, रिले 1 रिले 2 रिले 3, ऐसे A3 आ जाएगा। अब इंटर करते जाएंगे, फिर A3 सेम जैसे A2 था वैसे सेम, A4 आ गया, टोटल पैरामीटर आपको दिख जाएगा। अभी देखिए ये हमारा आ गया A1 मतलब अलार्म 1 सेट पॉइंट, हमने 21 रखा, फिर ऐसे हमारा आप देखते जाइए, A1 का टोटल आ जाएगा, ठीक है। अभी हम स्किप करेंगे, हमने स्किप कर दिए, अभी हम लेवल 3 पे जाएंगे।
हमारा दोस्तों जो लेवर थ्री है ये फंक्शन पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमको इसमें जो हम इनपुट दिए हैं क्या दिए हैं वो यहाँ पर हम लेवल थ्री पे हम इन करेंगे। ठीक है, हमने ये किया, अभी जैसे हमने इंटर किया हमारा आई एन, हमारा ये आया आई एन पी टी, इसका मतलब है आई एन पी टी इनपुट, इनपुट में हमने रखा है आर टी डी। अगर आपको चेंज करना है तो आप कैसे चेंज करेंगे, यहाँ से करिए, ये 4 to 20 है, 0 to 75 है, 0 to 100 जो आपको रखना है, 0 to 2 volt है, 4 to 20 है, ये 4 to 20 है, 0 to 20 है, और हमने आर टी डी रखा क्योंकि हमने आर टी डी लगा के रखा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा आर टी डी है तो हमने आर टी डी लगा के रखा है, इसलिए हम यहाँ पर आर टी डी रखेंगे। ये देखो दोस्तों हमने आर टी डी लगाया है, इसलिए हमने आर टी डी को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा इनपुट है, हमने आर टी डी सिलेक्ट किया, इसको सेव कर देंगे, उसके बाद फिर इंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारा आता है यू एच ई, मतलब इसका मतलब होता है प्रोसेस वैल्यू रेंज हाई, मतलब ये हमारा प्रोसेस पी यू एच हाई, मतलब प्रोसेस वैल्यू कितना है, तो प्रोसेस वैल्यू हाई रेंज, मतलब जो हम रेंज सेट करते हैं 0 से 100 के बीच में हमको क्या रेंज रखना है, ये प्रोसेस वैल्यू हाई रेंज पी यू एच आई, हमने 850 डिग्री टेम्परेचर रखा है। ठीक है, ये प्रोसेस वैल्यू लो रेंज कितना रखा है, -99.9 डिग्री। ठीक है, ये ओ एफ नहीं है, ओ टी है, इसका मतलब होता है आउटपुट टाइप, हमने आउटपुट टाइप रखे हैं रिले, रिले हमने रखा है क्योंकि हमने इससे रिले के थ्रू हम मोटर को ऑपरेट करेंगे, जैसे रिले 1, रिले 2, रिले 3, रिले 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओ टी आउट टाइप रिले। अगर आपको चेंज करना है दोस्तों, देखिए आपको चेंज करना है एकदम सही है ना दोस्तों, ये हमारा आउटपुट टाइप है, अभी हमने आउटपुट भी कर रखा है रिले, अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये हो गया SS, ये हो गया करंट हो गया हमारा, ये हो गया ऑन ऑफ, आपको ऑन ऑफ करना तो ऑन ऑफ रख सकते हैं, ये हमारा हो गया ऑटो फीडबैक, और हम फिर से हम इसी में रख देंगे, ये ऑन ऑफ है, ये करंट है, ये हमारा SSR, ये हमारा रिले है, क्योंकि हम रिले ऑपरेट करेंगे तो हमने रिले रख लिया, फिर से हम सेव कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा आता है ये हमारा है CU, ये हमारा कंट्रोल आउटपुट है, कंट्रोल आउटपुट हाई कितना रखना है, हमारा जो कंट्रोल आउटपुट है वो हाई ले रहा है 25 डिग्री में, ये COHI मतलब कंट्रोल आउटपुट हाई वैल्यू, हाई वैल्यू क्या है तो 25। इंटर करेंगे, ये कंट्रोल आउटपुट लो वैल्यू हमने 0 रखा है, फिर इंटर करेंगे, इसके बाद हमारा ये आ गया, फिर सेट पॉइंट हमको क्या रखना है, लोकल या ऑटो में रखना हो चेंज कर सकते हैं, 0 dB आ गया ये हमारा, उसके बाद ये रखना है, इसको बताते हैं ऐसे कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये हमारा लास्ट पैरामीटर है, अभी हम इसमें से एग्जिट हो जाते हैं। अब हमारा आता है चौथा, फ़ोन नंबर में आएगा, फ़ोन नंबर हमारा पैरामीटर का यूज करेंगे, इसमें फ़ोन नंबर जाने के लिए आगे इंटर करेंगे, इंटर करते ये हमारा सीरियल नंबर हो गया। ऐसे आप पूरा पैरामीटर चेक कर सकते हैं हमारा क्या क्या है, 4 to 20 रेंज सेलेक्ट है, PU है, ये है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी ऐसे है, इसके बाद हम फिर बाहर जाने के लिए हम यहाँ स्किप करेंगे, ये हम एकदम बाहर आ गए, अभी हमारा ये शो कर रहा है कि अभी हमारा मैनुअल मोड पे है, अभी हमारा प्रोसेस वैल्यू आ रहा है 15.4 डिग्री, ये हमारा आर टी डी लगा है दोस्तों, देखिए आपको दिखाया था हमारा ये यहाँ पर आर टी डी है, ये पावर सप्लाई है। ठीक है दोस्तों, अभी हम आपको दिखाएंगे कि रिले कब पिक करेगा, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हमने इसको ऐसे रखा है रिले, अभी हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अभी आपको दिखाएंगे रिले हमारा पिक करेगा। देखिए दोस्तों, अभी हमारा प्रोसेसर बढ़ रहा है, जैसे रिले पिक करेगा यहाँ पर एक लाइट ब्लिंक करेगी। ठीक है दोस्तों, देखते जाइए, अभी हमारा रिले पिक हो रहा है, हमने 25 डिग्री रखा है हमारा, जैसे 25 डिग्री टेम्परेचर ऊपर जाएगा तब हमारा रिले पिक करेगा। ये देखिए हमारा 25 पहुंचा, ये देखिए रिले 2 हमारा पिक किया, ऐसे हमारा जब और बढ़ाएंगे हमारा 30 है, दूसरा पिक करेगा हमारा।